हेलो एवरीवन, ऋतुराज 97 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम रिव्यू करेंगे 2021 ऑल न्यू टाटा पंच। तो दिस इज अ न्यू कार लॉन्च बाय टाटा और दिस इज अ टॉप एंड वेरिएंट इन मैनुअल ट्रांसमिशन। तो इस गाड़ी का हम डिटेल रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या क्या फीचर्स टाटा ने इसमें आपको दिए है। सो दिस इज अ कार इंस्पायर्ड फ्रॉम टाटा हैरियर, एक माइक्रो एसयूवी है जो हैरियर गाड़ी से इंस्पायर्ड है। और फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देख सकते हैं, डिटेल में हम इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे और इसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिक वर्जन का भी हम आपको अगली ब्लॉक में रिव्यू करवाएंगे। सो दिस इज अ कार इन ड्यूअल टोन, व्हाइट रूफ है और ये ब्लू कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही शाइन होता है। ग्रिल आप देख सकते हैं, ग्लॉसी फिनिश है और क्रोम इनसाइड आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। टाटा की लोगो भी क्रोम में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राई एरो की डिजाइन है। अंदर होन है गाड़ी का और क्रोम वर्क दोस्तों बहुत सारा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको DRLs मिले जैसे हैरियर में वगैरह होते हैं सफारी में उस तरह से, और इसको कनेक्टिंग टाइप आपको टर्न लाइट इंडिकेटर्स भी अंदर की साइड दिख जाते हैं। यहाँ पर इस तरह से हेडलाइट्स है, एक हेलोजन हाई बीम के लिए और एक प्रोजेक्टर लो बीम के लिए। आपको यहाँ पर फोग लाइट्स भी मिलती है और क्लैडिंग आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी रेडिएटर ग्रिल में आपको ट्राई एरो की डिजाइन देखने को मिलती है। तो ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह 187 mm है गाड़ी का, विच इज क्वाइट गुड। और यहाँ पर आपको एरेडेम मिलता है, इस तरह से एरेडेम दिया है और आप देख सकते हैं हेडलाइट्स वगैरह बहुत ही अच्छी दिखती है। ओवरऑल बॉडी में दोस्तों क्लैडिंग बहुत सारी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जिससे एक प्रॉपर एसयूवी टाइप का आपको यहाँ पर लुक आता है। आप देख सकते हैं कितनी सारी और बहुत ही बड़ी साइज में यहाँ पर क्लैडिंग आपको दी गई है। और टायर साइज आप देख सकते हैं अपोलो के टायर्स है यहाँ पर गाड़ी में। और टायर साइज की बात करें तो यहाँ पर 195/60R16 आपको डायमंड कट ड्यूअल टोन में इस तरह से एलॉयज वगैरह मिलते हैं। तो टायर साइज आप देख सकते हैं 195/60R16 के है टायर्स। और टेल लाइट वगैरह देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी आपको LED में इस तरह से मिलती है और टायरों की डिजाइन बहुत ही खूबसूरत लगती है गाड़ी में। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरह से स्पॉइलर मिलता है, डिफॉगर्स है, रियर वाइपर भी आपको मिलेगा इस टॉप वेरिएंट में। देख सकते हैं किस तरह से दिखती है गाड़ी। यहाँ पर टाटा की क्रोम में लोगो है, उसके नीचे आपको रिवर्स कैमरा है और पंच के आपको क्रोम में यहाँ पर बैजिंग भी मिल जाती है। तो बूट स्पेस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 366 liters की बूट स्पेस मिलती है। यहाँ पर पार्सल ट्रे वगैरह है। 366 इज क्वाइट गुड फॉर द कार लाइक दिस सेगमेंट आई विल से। और ट्रंक में यहाँ पर इस तरह से लाइट मिलती है, तो रात को वगैरह सामान डालते समय आपको इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मतलब इस्तेमाल होगा ऑब्वियसली। और देख सकते हैं रियर में वगैरह किस तरह से है गाड़ी। और यहाँ पर इंटीरियर भी मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी का। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलते हैं फ्रंट डोर पे इस तरह से। और ये डोर आप जैसे अल्ट्रोज या फिर स्विफ्ट शेवरलेट बीट वगैरह इस तरह के दरवाजे खोलने का होता है गाड़ी में, उसी तरह का आपको प्रोविजन दिया गया है। टर्न लाइट इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर ORVM पर मिलते हैं। ORVM आप देख सकते हैं व्हाइट और ब्लैक ड्यूअल टोन में है। और ए पिलर बी पिलर वगैरह गाड़ी का आपको मैट ब्लैक में मिलेगा। यहाँ पर शार्क फिन नहीं है, नॉर्मल टाइप का एंटीना मिलेगा। और रूफ रेल्स आपको पूरे ब्लैक में मिलते हैं। इस तरह से बात करें गाड़ी के इंजन की, तो इस गाड़ी में आपको दोस्तों 1.2 लीटर यानी 1199 cc का रिवोट और 3 सिलेंडर BS6 पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। बात करें इस गाड़ी के मैक्सिमम पावर की, तो ये है 86 PS @6000 RPM। और मैक्सिमम टॉर्क है इस गाड़ी का 113 Nm @3000 RPM। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 37 लीटर की पेट्रोल फ्यूल टैंक मिल जाएगी। तो ये है इंजन के स्पेसिफिकेशन। तो चलिए आपको इंटीरियर दिखाते हैं गाड़ी का। तो डोर इंटीरियर आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से पूरा यहाँ पर डार्क कलर में इंटीरियर देने की कोशिश की, और थोड़ी सी डिटेलिंग है आपको क्रीम कलर में। यहाँ पर आपको ट्विटर्स वगैरह मिलते हैं, अंदर से डोर हैंडल, पावर विंडो और ORVM के कंट्रोल्स है। और यहाँ पर आपको नीचे बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर और डोर पॉकेट मिलता है। स्पीकर भी है गाड़ी में, तो बहुत सारी स्पेसिंग आपको मिलेगी सामान रखने के लिए वगैरह। और दिस इज कार इन मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके बाद अगली रिव्यू में हम मैनुअल ट्रांसमिशन के बाद आपको ऑटोमेटिक भी दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉक में। तो ट्राई एरो की यहाँ पर सीट्स पर भी आपको डिजाइन मिलती है, एक्सलेटर, ब्रेक क्लच, ABC पेडल्स आप देख सकते हैं किस तरह से। तो चलेगा गाड़ी में बैठ के देखेंगे। सो दिस इज टाटा लोगो आपको मिलता है और होन एयरबैग्स वगैरह है। क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पर क्रूज के कंट्रोल्स है, यहाँ पर इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स है दोस्तों। दो एयरबैग्स आपको मिलेंगे इस गाड़ी में और ये सिल्वर फिनिश आप देख सकते हैं। और डी कट टाइप का यहाँ पर आपको स्टेयरिंग मिलता है, इसको लेदर की कवर है। और क्लस्टर आप देख सकते हैं एनालॉग में, आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर मिलता है और MID है। तो MID पर आप सब जो नोटिफिकेशन सिंबल्स जो है, लाइट्स वगैरह जो होंगी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से मिलता है ये आपको क्लस्टर और स्टेयरिंग कवर वगैरह, बहुत ही सही लगा दोस्तों। यहाँ पर AC वेंट्स को आपको इस तरह से ब्लू कलर में फ्रेमिंग मिलती है, जो आपको अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं गाड़ी का जो कलर है उसी कलर में। तो आइडियल स्टार्ट स्टॉप, फोग लाइट वगैरह, इको मोड, ये सब आपको स्विचेस मिलते हैं। एक ब्लैंक स्विच भी मिलता है और गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए भी स्विच आपको इस साइड में ही मिलता है।
तो यहाँ पर बोनट खोलने के लिए लीवर है और सेंटर में एसी वेंट्स आप देख सकते हैं, इनको भी ब्लू कलर की फ्रेमिंग मिलेगी और इनके बीच में कॉजर ट्रेंगल की लाइट मिलेगी। ये बटन इतना लाइट है दोस्तों, थोड़ा सा प्रेस करने पर ही इंडिकेटर्स ग्लो होते हैं, पूरा प्रेस करने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लस्टर में लाइट ग्लो हो रही है। और बात करें यहाँ पर एंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पर 7 इंच एंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले और आपके एंड्रॉइड ऑटो को भी। नेविगेशन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं और एडॉप्टिव गाइडलाइंस मिलेगी आपको रिवर्स मोड में, तो पार्किंग वगैरह बहुत बढ़िया होगी इसमें। और यहाँ पर इसके नीचे आपको एसी के कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, ऑटो वगैरह सब मोड है यहाँ पर, डीसी चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी ऑक्स लगाने के लिए भी प्रोविजन है, कुछ स्पेस है यहाँ पर, कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। और गियर देख सकते हैं, 5-speed manual transmission वाला गियर बॉक्स है, इसको भी ब्लू कलर की फ्रेमिंग है। दिस इज अ हैंड ब्रेक यू हैव इन टोटल डार्क कलर, दो कप होल्डर, थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पर भी चार्जिंग सॉकेट है आपको। और यहाँ पर इसमें ग्लो बॉक्स में आप कुछ सामान डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह गाड़ी के। और यहाँ पर लाइट है, तो कुछ इस तरह से ये डोर वगैरह आप देख सकते हैं ये साइड वाला। और ये डेस्क करते हैं दोस्तों रियर व्यू मिरर, यहाँ पर सनसेट्स मिलेगी, इसमें आपको वैनिटी मिरर मिलेगा इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह की रीडिंग लेंस या फिर डोर स्लैब भी आप इसे बोल सकते हैं। और सीट्स आप देखिएगा, इसको ब्लू कलर में स्टिचिंग है, इसको बाद में चाहिए तो आप थोड़े से स्पोर्टिव कलर कवर डाल सकते हैं डार्क कलर में वगैरह, जो बहुत ही सही लगेंगे। तो बात करेंगे अभी यहाँ पर और एक फीचर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, तो इसके जो डोर्स है इसको आप 90 डिग्री खोल सकते हैं सभी डोर्स को दोस्तों, आगे और पीछे की। ये फीचर मुझे इस गाड़ी में सबसे बेहतरीन लगा, जो आपको रेयरली, मतलब मैं मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी में है, अगर आपको पता ये फीचर कौन सी दूसरी गाड़ी में तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया रहेगा किसी भी मतलब जो बूढ़े लोग या फिर मैं कहूँगा कोई भी पेशेंट है जिनको गाड़ी में आपको बिठाना है, तो उनके लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा दोस्तों। ऊपर से आप देख सकते हैं 90 डिग्री में जो डोर्स ओपन होते हैं कुछ इस तरह से दिखते हैं, तो बहुत ही बढ़िया फीचर ये दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये फीचर बहुत सारी गाड़ियों में आगे भी देना चाहिए, टाटा ने और बाकी की कंपनियों ने भी। तो ये देख सकते हैं 90 डिग्री में खोलने के बाद ऐसा स्पेस बचता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डोर में स्पीकर वगैरह है, पावर विंडो के कंट्रोल, स्पीकर वगैरह यहाँ पर सब आपको मिल जाते हैं। तो स्टोरेज की बात करें तो इस गाड़ी में आपको बहुत सारी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, तो यहाँ पर भी आपको सीट के पीछे भी पॉकेट है। और ये हम्प आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही छोटा हम्प है, अगर आप मारुति की गाड़ियों में अगर कंपेयर करें तो बहुत बड़ा हम्प होता है। तो सेकेंड रो में जो सेंटर में बैठे हैं उनको भी बहुत ही कंफर्ट मिलेगा। तो नी रूम वगैरह सफिशिएंट है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल लाइट का बंदा अच्छी तरह से कंफर्टेबल यहाँ पर बैठ सकता है। और कुछ इस तरह से दिखता है डैशबोर्ड सेकेंड रो से, और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है, तो दो बंदे बैठे तो यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। कप होल्डर्स वगैरह आपको नहीं मिलता, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। और ये है गाड़ी की पार्सल ट्री, तो कुछ इस तरह से गाड़ी का इंटीरियर। अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसे फीचर्स की गाड़ी के जो मुझे पसंद आए, जो मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया है गाड़ी के। तो यहाँ पर है ओवरऑल 25 यूटिलिटी स्पेसेस, तो टाटा ऐसा बताता है कि इस गाड़ी में आपको टोटल 25 यूटिलिटी स्पेस दिए गए जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं, दिस इज गुड। और फॉलो मी होम हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिसका रात को ऑब्वियसली आपको इस्तेमाल होगा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड फीचर दे हैव प्रोवाइडेड इन दिस। ऑटो हेडलैम्प्स का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन है, मतलब फीचर है। और फ्रंट फॉग लैम्प्स में आपको कॉर्नरिंग फंक्शन मिलता है, रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिलते हैं, स्पेसियस बूट जो 366 लीटर्स की है। सेकेंड रो में आपको रियर आर्मरेस्ट भी मिलता है इस सेगमेंट की गाड़ी में, और बॉडी कलर्ड एयरवेंट जो स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है गाड़ी को, आई कैचिंग डैशबोर्ड जो बहुत ही स्पोर्टी और प्रीमियम भी आपको लगेगा यहाँ पर, तो इंटीरियर भी मुझे पसंद है इस गाड़ी का। और क्लैडिंग ऑन डोर्स, तो बहुत सारे क्लैडिंग आपको मिलते हैं, 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स, ये भी फीचर मुझे सबसे अच्छा लगा। और R16 डायमंड कट एलॉय व्हील्स इस सेगमेंट की गाड़ी में आपको मिल रहे हैं। अभी बात करते हैं गाड़ी में क्या क्या आपको कलर्स मिलते हैं, तो टोटल 7 कलर्स मिलते हैं, जैसे कि ये है टोर्नाडो ब्लू, ये है रेड कलर, मेटोरेड ब्रॉन्ज आपको मिलता है, एटॉमिक ऑरेंज आपको मिलता है, ट्रॉपिकल मिस्ट आपको मिलता है, और डेटोना ग्रे, और लास्ट कलर है ऑर्कस व्हाइट। तो ये टोटल 7 कलर आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। तो गाड़ी के जो डायमेंशन है दोस्तों वो आप अभी स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं, ये है गाड़ी के सब डायमेंशन। तो कैसे लगी आपको ये नई वाली 2021 ऑल न्यू टाटा पंच, आप मुझे बोल सकते हैं क्या क्या फीचर्स आपको अच्छे लगे और क्या क्या इसमें फीचर्स आपको मिसिंग लगे वो भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो अगला ब्लॉग आएगा उसमें मैं ऑटोमेटिक जो वेरिएंट है उसका भी रिव्यू करते हैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑटोमोटिव रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पर ब्लॉग देखने को मिलेंगे, जहाँ पर हम कार्स और हैवी व्हीकल्स के ऊपर भी ब्लॉग्स बनाते हैं और नई गाड़ियों के आपको रिव्यू करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, अगला वीडियो जरूर आएगा जल्द।